पापा के साथ जाने के लिए रो रहा है। टोटल टू क्यों रो रहा है? नहीं तो फिर कोई ना कोई बंदा ऐसा चाहिए भाई जो वीडियो एडिट कर दे। ऐसी बाइक की डिलीवरी फर्स्ट टाइम हो रही है मेरी जिसमें कोई शोर शराबा नहीं है, लेकिन बाइक ऐसी है जो पूरा शोर मचाने वाली है। और इसी बीच में ना एक अच्छी सी न्यूज ये है, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आप लोगों की ना एक कंप्लेंट बहुत रह रही है मुझसे, और उसमें गलती मेरी है। मुझे पता है कि भाई मैं यूट्यूब के ऊपर रेगुलर नहीं रह पा रहा। इंस्टा पे तो मैं पहले से बहुत कम अपडेट डालता था, बट अभी यूट्यूब पर भी रेगुलर नहीं रह पा रहा। पहले मेरे मतलब वीक के अंदर 5 व्लॉग तो आ ही जाते थे, मतलब मंथ के अंदर देखा जाए तो 20 से 25 व्लॉग मैं अपलोड करता था, और अभी मंथ निकल जाते हैं और वीडियो नहीं आ पाती। और मुझे पता है कि यार ये गलत है, मतलब अगर मैं YouTube पे टाइम नहीं दूंगा तो फिर YouTube के ऊपर रिस्पॉन्स भी नहीं आएगा। बट ना काफ़ी कुछ चल रहा था, जैसे अभी भी आप देख रहे होगे मैं ऑफिस में ही वीडियो कर रहा हूँ, और मतलब काफ़ी टाइम निकल जाता है यार ऑफिस में और फिर और चीज़ों में भी, तो टाइम ना बन नहीं पाता था। और ये मेन टाइम पता किस चीज़ की दिक्कत हो रही है, ये व्लॉग बनाने की दिक्कत नहीं हो रही, ये हो रही है एडिटिंग की प्रॉब्लम। तो मैंने ना स्टोरी भी लगाई थी इंस्टा पे कि यार कोई ना मेरे को वीडियो एडिटर मिल जाए तो मैं डेली व्लॉग कर लूँगा। यार व्लॉग शूट करने में मेरे को कोई टाइम नहीं यार, जो हम कर रहे हैं वो आपको दिखाना है। हाँ ये है कि हमारे बाइक के कंटेंट ज़्यादा रहते हैं तो कोई बात नहीं, बाइक तो यार मेरी दिन भर चलती ही है भाई, डेली कहीं ना कहीं जाना ही होता है तो वीडियो तो शूट हो जाती है, बट एडिट नहीं हो पाती, इसलिए आपको वीडियो मिल नहीं पाती। तो उसका सोल्यूशन मैंने यही ढूंढा है कि कोई एडिटर हो, और ऐसा हो मैं तो ये चाहता हूँ कोई साथ में, मतलब यहाँ पर ही हो ना, तो कहीं गए घूमने, कैमरा भी यूज़ कर लिया, एडिटिंग भी कर दी, वीडियोस भी बन गई अच्छी अच्छी, आपके लिए रील्स भी बन जाएंगी, इस टाइप का मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। अगर कोई मिलता है ना तो फिर जल्द से जल्द आपको ना डेली ब्लॉग दिया करूँगा, ट्राई करूँगा। अभी मैं ऐसा कर रहा हूँ कि रात भर बैठ के जैसे पहले एडिटिंग करता था ना, वैसे वाला ट्राई कर रहा हूँ कि ब्लॉग बनाया एडिटिंग करी, ब्लॉग बनाया एडिटिंग करी। अगर इस रूटीन में सब ठीक हो पाया तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई ना कोई बंदा ऐसा चाहिए भाई जो वीडियो एडिट कर दे बस। और इसी बीच में ना एक अच्छी सी न्यूज़ ये है कि भैया मुझे एक बाइक पसंद आई है, तो वो बाइक हम देखने के लिए चल रहे हैं, और वो बाइक ना दिल्ली में नहीं है, वो खड़ी है उत्तराखंड में। अब मुझे बाइक इतनी पसंद आई है और मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर वो बाइक जैसी मेरे को लगी है वैसी ही होगी तो आज उसकी डिलीवरी भी ले लेंगे। तो अभी बाइक चलने के लिए देखना है, फैमिली के साथ ही चल रहा हूँ, देहरादून जाना है हमें, यहाँ से लगभग 260-270 किलोमीटर, और वहाँ पे जाके अगर बाइक पसंद आ गई तो एक सुपर बाइक अपने पास और आ जाएगी। अभी जो टाइम है लगभग 1:45 हो रहा है दोपहर का, मतलब 12:45, और शाम को पहुँच जाएंगे, फिर देखेंगे या तो मैं रात रुक जाऊँगा वहाँ, मैं सुबह बाइक लेके आ जाऊँगा अगर बाइक पसंद आई तो, और नहीं तो रात को भी लेके आ जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है। किस लिए रो रहा है? नहीं जाना, रहने दे फिर, पक्का मेले में चला जाइयो फिर, पक्का चल चुप और चल, देख ले मैक्स भी देख रहा है। ये पता है रो किस ले रहा है? ये रो इसलिए रहा है कि जो हमने बाइक लेके आनी है मैं उस पर बैठ के आऊँगा घर तक। आप लोग बताओ मैं इसको देहरादून से घर कैसे बाइक पे बिठा के ले आऊँ, है इसे समझा रहा हूँ, आके तुझे घुमाऊंगा, आके घूमियो बेटा। भाई शाम होने को आ गई है, हम हो गए बहुत लेट, राइडिंग जैकेट रख दो इसी में, GoPro भी ले लिया, हेलमेट इसी में रख रहा हूँ, अभी लगा लेंगे, अभी तो ज़रूरत नहीं है ना हेलमेट में ये लगाने की, वापसी में लगाएंगे। हेलमेट भी रख दिया मैंने, चलो भाई चलें। मेरे को सही फंसाया ना तुमने, मतलब तुम्हारी मम्मी कह रही थी मैं जाना, मेरे को जबरदस्ती लेके जा रही। हरिद्वार आ गया, देखो ओम बना आ जाता ना अब ये पता चल जाता है वैसे ही। तो हरिद्वार हम पहुंच गए हैं, कितने बजे? 8:15 बजे, और अभी भी जो है ना 1-1.5 घंटे का रास्ता बचा है हमारा देहरादून पहुंचने का। यहाँ देखो बड़े बड़े बन गए हैं, यहाँ पर भी रहने के ये होटल वगैरह। ये हर की पौड़ी का ही तो है, उधर क्रॉस करके हर की पौड़ी है ना। पानी कितना ज्यादा है यार भाई, बाइक तो बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन है, अभी यहाँ लाइट नहीं है, लेकिन आपको यहाँ देखो हल्का सा शाइन दिख रहा होगा, और अगर मैं फ्लैश ऑन करके दिखाऊंगा ना तो भाई इसमें फेस देख सकते हो, ये देखो यहाँ का लुक देखो यार, गजब बाइक यार रखी है भैया ने बाइक, यार बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक है, बिल्कुल ब्रांड न्यू, और कुछ लाइट्स लगी हुई हैं एक्स्ट्रा जिसके कारण आगे बहुत अच्छी रोशनी आ रही है देखो। बाकी अभी बाइक का फाइनल हो जाए ना फिर तो भाई मोटो ब्लॉग होगा, इस पे घर ही इस पे जाएंगे। मैंने गाड़ी में बैठा है, वो कह रही थी ना तो इसके भी हेलमेट ले लो, इसके गेट्स मंगवा लिए हैं, इसके गेट्स आ जाएंगे बस, फिर कोई दिक्कत नहीं। इसे डर्ट बाइक लेनी है ना वैसे भी, अरे वाह इसको डर्ट बाइक का क्रेज है। जैसे भैया के पास बाइक जो है ना बहुत किस्मत वाली है, भैया भी बहुत ख्याल रखने वाले हैं बाइक का, और जिनके पास जा रही है वो बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। मानव तो क्यों रो रहा है? यहाँ भैया रो रहे हैं या मानव रो रहा है? भैया बाइक के लिए रो रहे हैं,
मानव आप किस लिए रो रहे हो? पापा के साथ जाने के लिए रो रहा है? क्यों रो रहा है? ओके थैंक यू सो मच। ठीक है चलो भाई बाइक तो ले ली है। अभी 12 बजने वाले हैं, 2 मिनट है दिन चेंज हो जाएगा। और अभी हमें यहाँ से जो घर जाना है वो है 270 किलोमीटर अप्रोक्स। तो भाई सुबह हो जाएगी पहुँचते हुए। यहाँ पहुँचने का टाइम आ रहा है 5:20। ओ माई गॉड पहली राइड ही पूरी रात की हो गई भाई बाइक पे। चलो जो भी है इंजॉय करेंगे फर्स्ट राइड को। जय श्री श्याम। बाइक बढ़िया निकले, सब कुछ बढ़िया हो तो आराम से इस पे राइड वाइड मारेंगे। भाई दोबारा से इनलाइन 4 आ गई है। भाई अभी ना ब्लॉक से ज़्यादा ध्यान ना बाइक में दूंगा, क्योंकि देखो नाइट राइड है, पूरी फैमिली कार में है और उनका बहुत रिस्क है कि मैं बाइक पर जा रहा हूँ। और अभी जो खुशी है वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता यार। थैंक गॉड आप सबका प्यार, दोनों चीज़ें भाई गजब। यहाँ पर जो ठंड है और जो देहरादून में मज़ा है ना, सीरियसली क्या जन्नत है यार, जन्नत जिसे कहते हैं। मेरा ख्याल यहाँ पर जो है ना 20 डिग्री से कम होगा इस टाइम। ओ भाई दिल्ली के अंदर कितना पोल्यूशन है, यहाँ तो जन्नत है यार। अभी रात है, मैं आपको उतना कुछ ना दिखा नहीं पा रहा सच बताऊँ तो, बट हमने जो देखा है ना जहाँ से बाइक लिया भैया के घर से, सामने भाई ऊपर मसूरी यहाँ से भी दिख रहा है मुझे पूरा, बट अभी आप लोगों को नहीं दिख पाएगा रात के कारण। पूरा मसूरी सामने मतलब ऐसे दिख रहा है भाई गजब। अगर कहीं पे हो सकेगा ना तो रुक के एक बार ज़रूर दिखाऊंगा। हाँ मैंने वीडियो में वो डाला होगा जो मैंने फ़ोन से भैया के ऊपर से लिया था ना छत पे जाकर सीन। भाई क्या जन्नत है यार ये जगह तो, लेकिन ठंड हो रही है मज़े वाली। भाई ऐसी बाइक की डिलीवरी फर्स्ट टाइम हो रही है मेरी, जिसमें कोई शोर शराबा नहीं है, लेकिन बाइक ऐसी है जो पूरा शोर मचाने वाली है। डिलीवरी लेने के लिए पहाड़ों में आ गए, बताओ और क्या चाहिए यार। भाई यहाँ पे सबने जैकेट स्वेटर्स पहने हुए हैं क्योंकि ठंडी इतनी है। मुझे चीज़ पता नहीं थी, मुझे ये था कि मैं घर ना दिन में आऊँगा नेक्स्ट डे, बट यार आज ही वापसी चल रहे हैं क्योंकि भाई कल अपने घर पूजा है। चलो भाई वाइजर बंद करता हूँ, अब मैंने वाइजर बंद करा है बट वॉइस ठीक आ रही होगी ना, ताकि मैं यहाँ पे यार जो एक्साइटमेंट है और जो जगह है ना आपको दिखाने वाली वो गजब है यार। अभी कहीं पेट्रोल डलवाता हूँ यार पहले। पेट्रोल भाई पता नहीं बाइक में कितना है क्योंकि एक ही पॉइंट शो हो रहा है ना। फुल कर दो बस ठीक है। यार मानव परेशान हो रहा है, मानव को बाइक पे बैठना था कि मैं घर जाऊंगा भाई इस पर, इतना रोया ना घर पे कि मुझे भैया बाइक लेके वहीं जाना है घर इस पे। यार बहुत रोया मैंने इसको, बहुत चुप कराया घर पे, सबने चुप कराया। फिर हमने इसे कहा हाँ तू बैठ जियो भाई, अब क्या करे, बोलना पड़ा ना भाई, चुप ही नहीं हो रहा था वो, इतना रो रहा था। अब बेचारा कार में रो रहा होगा कि मुझे बैठना ही बैठना है। टोल आ गया जी, अपना तो टोल लगेगा नहीं, पियरी अपनी गाड़ी साथ के साथ। यार मानव बहुत रो रहा है यार, उसके आंसू होए होए। बाइक लेकर लोग इस साइड राइड पे आते हैं, हम यहाँ से बाइक लेकर दिल्ली जा रहे हैं, बताओ पहाड़ों में से क्या बात है। किस्मत होती है यार ये भी, कहाँ से क्या चीज़ आनी है ये सब कुछ लिखा होता है भाई। गाड़ी ना पापा पीछे पीछे रख रहे हैं मेरे, क्योंकि उनको इतना रिस्क है कि भैया बाइक देखो, पेरेंट्स को तो रिस्क रहता ही रहता है कुछ भी हो यार। यार अगर इसमें क्विक शिफ्टर होता ना इस रोड पे ना, अभी तबाही मचा देता मैं 2 मिनट के लिए तो भाई पक्का। फिर वही करना था गौं, गौं। वो अपनी उसमें था ना यार CBR में। गाइस हम पहुंच गए हरिद्वार देहरादून से, और ये गंगा जी है इधर, यहाँ शिव जी की मूर्ति है। ये देखो भाई, ये यहाँ पे आपको दिखेंगे वो देखो, और ये है इधर गंगा जी, ये नीचे हर की पौड़ी है भाई जहाँ पर हम स्नान वगैरह करते हैं। क्या यार बताओ, मतलब मुझे बड़ा अच्छा अंदर से फील हो रहा है कि भाई बाइक लेकर पहली बार ही सीधा ही भगवान की जगह पर, बताओ और क्या चाहिए यार। वो ऊपर मनसा देवी है सामने ना, वहाँ पर मंदिर है, वो इस कैमरा में तो नहीं दिख रहा होगा क्योंकि रात का टाइम है, पिंक सी लाइट है सामने, शायद आपको नज़र आ रही हो, वो है मंदिर। और इधर जितनी भी लाइट्स नज़र आ रही है ना ये सब भाई हर की पौड़ी है। मैं इस साइड चल कर आपको थोड़ा दिखाता हूँ, ये देखो भाई शायद विजिबल हो रहा हो शायद नहीं, ये है हर की पौड़ी। तो हम हरिद्वार पहुँच चुके हैं। बुम बुम
क्या बात है भाई, मजा आ गया। 80 किलोमीटर की राइड बड़ी मस्त रही है, मजा आ गया भाई एकदम झक्कास। आगे की राइड भी ऐसे बढ़िया से हो जाए और फटाफट हम पहुंचे घर, 5:30 बजे पहुंचेंगे, दिन निकल रहा होगा। अब सर्दियां स्टार्ट हो रही है, दिन थोड़ा लेट निकलता है लेकिन उम्मीद है 5:30 बजे निकल रहा होगा। कुछ अलग होना चाहिए ना, तो ये सच में बिल्कुल अलग था कि भैया पहली बार ऐसे डिलीवरी लिया मैंने बाइक की। पेट्रोल वाला है कोई? तो गाइस 173 किलोमीटर हो गए हैं और बाइक में रह गया है 1 पॉइंट, तो भैया रिस्क नहीं लूँगा, पेट्रोल डलवा लेते हैं, चलेगी तो काफ़ी, बल्कि अभी पता भी चल जाएगा कि हाँ क्या माइलेज वगैरह आई है, तो रिस्क ना लेते हुए पेट्रोल डलवा लेते हैं। फुल कर दो भैया, बस बहुत है। तो गाइस पूरे 9 लीटर पेट्रोल आया, थोड़ा सा पहले से बल्कि ज़्यादा ही है, 176 चली है, 9 लीटर ही डला है, 176 / 9 19:30 की आ गई है, सही है। ये जो तुमने करा है ना अच्छा नहीं करा, इतने बजे आसान नहीं है ये बाइक के लिए। बोले 5 बजे सुबह। हाँ और तो कितने बजे के निकले हुए हैं हम? हाफ एन आवर रह गया। कितना रिस्क है, नींद कितनी तेज आ रही है? 12 घंटे 24 घंटे नहीं, हाँ 12 घंटे ही तो होने वाले हैं। लेकिन रिस्क कितना, चल माना तू गाड़ी में बैठ, रिस्क के काम करा हुआ है तुमने इस बाइक के चक्कर में। भाई फाइनली हम पहुंचने वाले हैं घर और अभी टाइम हो चुका है 4:35, मतलब 10 मिनट और लगेंगे पहुंचने में, 4:45 से पहले पहले घर पहुंच जाएंगे। और किलोमीटर भी हमारे जो हैं वो लगभग 270 किलोमीटर होने वाले हैं अप्रोक्स। भाई बहुत अच्छी राइड रही, बाइक की डिलीवरी बिल्कुल डिफरेंट, जो लाइफ में आज तक नहीं हुई मेरे साथ वो आज मेरे को डिलीवरी मिली है कि पहाड़ों से सीधा अपने घर लेकर आए हैं भाई बाइक को। अब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ना अच्छे से बाइक दिखाता हूँ, ठीक है? अभी बहुत थक गया हूँ भाई और फिर दिन निकलने वाला है, तो बस जस्ट मैं भी सोऊंगा भाई जाके, कल घर में पूजा है। देखो ये लिखा आ गया बोर्ड सामने, कड़कड़ूमा आने वाली है मंजिल अपनी घर की, 5 मिनट बस रह गया, देखो 3 किलोमीटर और 5 मिनट। बाइक अभी तक चलने में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बाकी अब ये तो लगे रहेंगे व्लॉग में यार, दिखाते रहेंगे नई नई चीज़ें, इसमें अपग्रेड करेंगे, बहुत एसेसरीज में काम होगा, बहुत कुछ होगा, जैसे जैसे जो होगा आने वाले व्लॉग में आपको दिखाता रहूँगा। अभी फ़िलहाल घर चल के भैया सोते हैं आराम से, दोपहर के 4 बजे निकले थे, यहाँ से सुबह के 5 बज रहे हैं, मतलब 13 घंटे लगातार हो चुके हैं भाई। और मुझे तो ये यकीन नहीं हो रहा कि मैं पहले कार में जाके वापसी बाइक को ले भी आया। पहुँच गए, कितने बज रहे हैं? कान गए मेरे, कान 5 बजने वाले। बहुत बढ़िया,